इंडिया टीवी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पेश दिन की पांच बड़ी खबरें। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज दिल्ली पहुंच गई हैं। सोमवार से शुरू हो रही उनकी भारत की यात्रा के दौरान बांग्लादेश और भारत के बीच जल प्रबंधन, रेलवे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत कई क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। हसीना और मोदी के बातचीत के दौरान सुरक्षा सहयोग, निवेश, व्यापार संबंध, बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, साझा नदियों के जल बंटवारे, जल संसाधन प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है। भारत यात्रा से पहले दिए एक इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा था कि रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के लिए बोझ बन गए हैं। उन्हें ये उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस मामले में खास भूमिका निभा सकते हैं। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक होटल में आग लग गई है। आग होटल के कई कमरों में फैली है, जिसकी वजह से होटल में धुआं फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि होटल में कई लोग फंसे हुए हैं। आग बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी मौजूद हैं। इस आग की वजह से 2 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग घायल हैं। घटना के बाद राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ घायलों से मिलने सिविल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को उनके इलाज को लेकर दिशा निर्देश दिए। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रविवार को मुंबई के पास एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उनका पोस्टमार्टम बीती रात 2:30 बजे से 3 बजे के आसपास पूरा हुआ। साइरस के परिवार का कोई सदस्य सुबह हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सका। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि साइरस का परिवार विदेश में है और उनके आज रात तक मुंबई पहुंचने की संभावना है। साइरस का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने पिछली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। एमवीए सरकार द्वारा 2020 में भेजे गए 12 एमएलसी नामांकनों की सूची को वापस ले लिया गया और राज्यपाल ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। शिंदे सरकार अब राजभवन को नए नामों की सूची भेजेगी। बता दें कि पिछली एमवीए सरकार ने उन 12 नामों की लिस्ट दी थी जिन्हें राज्यपाल कोटे के तहत महाराष्ट्र विधान परिषद में नामित किया जाना था। हालांकि राज्यपाल ने 2 साल से अधिक समय पहले मिली इस सूची पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को गुजरात में बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित करेंगे और यहां साबरमती आश्रम में एक प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टी नेताओं ने कहा है कि गांधी अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस के बूथ योद्धाओं के परिवर्तन संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि वो बाद में साबरमती आश्रम जाएंगे जहां वो एक प्रार्थना सभा में शामिल होंगे और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पहले महात्मा गांधी का आशीर्वाद लेंगे। गांधी ने आखिरी बार 10 मई को गुजरात का दौरा किया था जब उन्होंने दाहोद शहर में आदिवासियों को संबोधित किया था। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया टीवी पॉडकास्ट सुनते रहिए। धन्यवाद।